सभी की नजरें, क्योंकि बजट से उम्मीदें क्या रहने वाली हैं, ये महत्वपूर्ण है। आज जो बजट आने वाला है उससे आपको क्या मिलेगा, क्या उम्मीदें, इसको भी जरा समझ लीजिए। क्या वाकई में मध्यम वर्ग को कोई राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि मध्यम वर्ग का हाल एक सैंडविच के जैसा है जिसके बीच में फंसी आलू की टिक्की, जिसमें स्वाद तो सबसे ज्यादा होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देती। और बिल्कुल देखिए, और सबसे बड़ा सवाल जो इस बजट से इस समय बना हुआ है वो है क्या आयकर में छूट मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा हम कहेंगे मध्यम वर्ग के लिए भी होता है, तो सभी वर्ग के लिए एक बड़ा सवाल होता है कि ढाई लाख से बढ़ाकर इस स्लैब को 3.5 लाख या 3 लाख किया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल। इसके अलावा महंगाई से मुकाबले को लेकर कोई ऐलान किया जाएगा, क्या वाकई में महंगाई को कंट्रोल करने की कोई पॉलिसी सामने आएगी, क्योंकि महंगाई से आम आदमी त्रस्त, और जिस तरीके से महंगाई बीते 2 सालों में अनकंट्रोल होती हुई नजर आई, बेरोजगारी बढ़ती नजर आई, उद्योग धंधे थोड़े से लड़खड़ाते नजर आए, ऐसे में उम्मीद आदमी कर रहा है कि एक तो महंगाई कम कर दीजिए और दूसरा रोजगार दे दीजिए। बेरोजगारी के आंकड़ों से लड़ना बेहद जरूरी, हालांकि जो देश के अंदर इस वक्त बेरोजगारी दर वो आर्थिक सर्वेक्षण में 4.1 के आसपास बताई गई। राजस्थान में बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा है, हरियाणा में बेरोजगारी दर 30% से ज्यादा बताई गई है। इसके अलावा कारोबारियों को क्या वाकई में कोई राहत दी जाएगी, क्या किसानों के लिए सरकार के पास आज के इस बजट में कुछ रहेगा, इस पर फोकस रहेगा। अगर जवाब आप हमसे पूछेंगे तो यकीनन रहेगा, लेकिन रहेगा क्या और वो मिलेगा कैसे, ये एक सवाल हो सकता है, क्योंकि जो घोषणाएं होती हैं वो पूरे साल की होती हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो बजट बनता है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जीडीपी की, क्योंकि जीडीपी जिस तरीके से ग्रो करती है उस हिसाब से हम मानकर चलते हैं कि देश ग्रो कर रहा है, सेक्टर ग्रो कर रहे हैं। हालांकि ये भी सच्चाई है कि 2 साल पहले देश की जीडीपी माइनस में थी, -7.8% के आसपास ही, यानी कि ग्रोथ नहीं, नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। हालांकि उसके बाद देश वापस जीडीपी के मुकाबले में सामने आया और जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो कह रहा है कि 6.5 के आसपास इस साल की जीडीपी रह सकती है, लेकिन बीते 10 सालों की जीडीपी देश के अंदर क्या रही, ये भी आपको बताएंगे।